हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन अनंत क्लासेज। कैसे हो भाई? सब लोग सब बढ़िया? तो चलो, तो देखो बच्चों, मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। तो बच्चों, हमारे आज के टॉपिक का नाम है मृदा क्षरण एवं मृदा संरक्षण। इसको बोलते हैं बच्चों सोइल इरेजन एंड कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं? सोइल इरेजन एंड कंजर्वेशन इसको बोलते हैं। तो बच्चों देखो, टॉपिक स्टार्ट करने से बिल्कुल आप यहाँ पर देखिए, बिल्कुल हैप्पी हो जाइए। जैसे जितना आप हैप्पी होते जाओगे बच्चों, इसके सिर पे बाल आते जाएंगे। बड़ा कुछ है देखो आज ये। तो चलो बच्चों देखिए, हमारा आज का टॉपिक है मृदा क्षरण एवं मृदा संरक्षण। ओके, चलो बच्चों। अब बच्चों देखो, मृदा क्षरण क्या होता है? बच्चों देखो, हम जानते हैं कि जो जितने भी प्राकृतिक कारक होते हैं, वातावरणीय कारक होते हैं, जैसे हवा होता है और एक जल होता है, इनके द्वारा बच्चों क्या होता है, जैसे तेज हवा और तेज बारिश होती है बच्चों, तो उसके द्वारा क्या होता है, जो मृदा होती है उसकी ऊपरी परत, यानी जो उसकी ऊपरी परत यानी उपजाऊ परत होती है, उसके कणों का क्या होता है बच्चों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, स्थानांतरण हो जाता है। यानी बच्चों क्या होता है, हवा और जल के द्वारा मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या बच्चों, हवा के द्वारा, हवा या जल के द्वारा मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या हटना मृदा क्षरण कहलाता है बच्चों। और इस क्षरण को रोकने के लिए कुछ उपाय या कुछ विधियां अपनाई जाती है, वो मृदा संरक्षण के अंतर्गत आती है बच्चों। ठीक है, चलो ओके, हम आगे चलते हैं। ओके, तो बच्चों देखिए, अब हम पहले देख लेते हैं मृदा क्षरण। इसको बोलते हैं बच्चों सोइल इरेजन बोलते हैं बच्चों। तो देख लीजिए, यहाँ पर मृदा क्षरण की डेफिनेशन देख लीजिए बच्चों, कि भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का क्या है बच्चों, भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटने की क्रिया को क्या क्या बोलते हैं बच्चों, कि भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटने की क्रिया को मृदा क्षरण कहते हैं बच्चों। क्या होता है बच्चों देखो, जैसे तेज हवा या तेज बारिश के कारण क्या होता है बच्चों, ये जो मिट्टी की जो ऊपरी परत के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, अपने स्थान से हट जाते हैं। क्या हो जाए, अपने स्थान से किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, मृदा क्षरण बोलते हैं बच्चों। ओके, चलो बच्चों देखो, इसके आपको एक और डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, कि मृदा का पृथक्करण तथा परिवहन मृदा क्षरण कहलाता है। देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, एक और डेफिनेशन आपको यहाँ दी जा रही है, कि मृदा का पृथक्करण, यानी बच्चों मृदा के पृथक्करण का मतलब है कि मृदा की ऊपरी सतह से उसके कणों का अलग होना तथा परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या बह जाना। क्या बोलेंगे बच्चों देखो, मृदा का पृथक्करण, यानी बच्चों हम बोल सकते हैं कि मृदा के कणों का मृदा से अलग होना तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना यानी परिवहन, तथा बच्चों इसको भी हम मृदा क्षरण बोलते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना कि मृदा क्षरण का सीधा सा एक अर्थ ये निकलता है कि मृदा के कणों का अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाएगा बच्चों, मृदा क्षरण कहलाएगा। अब बच्चों आगे चलिए, देखिए कि जो मृदा क्षरण होता है बच्चों, जो मृदा क्षरण होता है, देखो ध्यान से देख लीजिए, कि जो मृदा क्षरण होता है ये दो प्रकार का होता है। क्या होता है बच्चों, दो प्रकार का होता है मृदा क्षरण के प्रकार। क्या है बच्चों, देखने मृदा क्षरण के प्रकार, यानी बच्चों देखो, टाइप्स ऑफ सोइल इरेजन। क्या बोलेंगे बच्चों, टाइप्स ऑफ सोइल इरेजन यानी मृदा क्षरण के प्रकार। देखो बच्चों, ये क्षरण टू टाइप्स यानी दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, मृदा क्षरण टू टाइप्स यानी दो प्रकार के होते हैं। चलो देख लीजिए बच्चों, कौन कौन से होते हैं, जो मृदा क्षरण होता है बच्चों वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है बच्चों प्राकृतिक क्षरण। क्या होता है, प्राकृतिक क्षरण, इसको बोलते हैं नेचुरल इरेजन। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको नेचुरल इरेजन बोलेंगे। मृदा क्षरण टू टाइप्स के होते हैं, पहला प्राकृतिक क्षरण है नेचुरल इरेजन, और बच्चों दूसरा आता है हमारे त्वरित क्षरण। क्या होता है बच्चों,
त्वरित क्षरण, इसको बोलते हैं एक्सीलरेटेड इरोजन। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? एक्सीलरेटेड इरोजन इसको बोला जाता है। तो चलो बच्चों हम सबसे पहले देखो दोनों को डिटेल से देखते हैं। तो चलो बच्चों देखिए, तो बच्चों देखो ये टू टाइप्स के आपको यहाँ पर मृदा क्षरण बताए गए हैं। देखो सबसे पहले देखो ये प्राकृतिक क्षरण, त्वरित क्षरण, ठीक है ना बच्चों, नेचुरल इरेजन और एक्सीलरेटेड इरेजन। तो चलो बच्चों देखिए ध्यान से कि बच्चों देखो प्राकृतिक जो क्षरण होता है इसमें मृदा का क्षरण जल व हवा के द्वारा लगातार व धीरे धीरे होता रहता है। देखो बच्चों क्या बताया गया है कि इसमें मृदा का क्षरण जल व हवा के द्वारा लगातार व धीरे धीरे होता रहता है। बच्चों देखो ये इस प्रकार के क्षरण में क्या होता है बच्चों, जो मृदा का क्षरण होता है वो जल व हवा के द्वारा कंटिन्यू चलता रहता है, परंतु बच्चों बिल्कुल धीरे धीरे होता है। क्या होता है बच्चों? प्राकृतिक क्षरण में क्या होता है बच्चों, जो मृदा का क्षरण होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है परंतु बिल्कुल धीरे धीरे होता रहता है, जिससे बच्चों कोई नुकसान वाली बात नहीं होती है। अगर एक तरफ मृदा का निर्माण हो रहा है तो एक तरफ विनाश हो रहा है। देखो बच्चों कहने का मतलब है कि इसमें जो क्षरण बिल्कुल धीमी गति से चलता रहता है परंतु कंटिन्यू यानी लगातार चलता रहता है, और बच्चों कोई नुकसान वाली बात यहाँ पर नहीं होती है क्योंकि धीरे धीरे ये चलता है और परिवर्तन में बड़ा समय लगता है। इसलिए बच्चों क्या होती है यहाँ पर कोई नुकसान वाली बात नहीं होती है। अब आगे देखिए, यह क्षरण मृदा निर्माण व मृदा विनाश की क्रियाओं के साथ साम्य रखता है। क्या रखता है बच्चों? यह क्षरण यानी बच्चों प्राकृतिक क्षरण की बात कर रहे हैं। यह क्षरण मृदा निर्माण व, देखो बच्चों दो वर्ड मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किए हुए हैं, इनको ध्यान से देखिएगा ओके। यह क्षरण मृदा निर्माण व मृदा विनाश की क्रियाओं के साथ साम्य रखता है। देखो बच्चों इसका मतलब सीधा सा ये है कि देखो कि इस प्रकार के क्षरण में मृदा निर्माण वो मृदा विनाश की क्रियाएं दोनों साथ साथ चलती रहती है। क्या चलती रहती है बच्चों? देखो बच्चों यह क्षरण क्या करता है बच्चों, मृदा निर्माण व मृदा विनाश की क्रियाओं के साथ साम्य रखता है। साम्य का मतलब है बच्चों कि जो मृदा निर्माण और जो विनाश की प्रक्रिया है ये दोनों बिल्कुल साथ साथ चलती रहती है। एक तरफ मृदा का विनाश हो रहा है तो एक तरफ मृदा का निर्माण भी चल रहा है, इसलिए बच्चों देखो यहाँ पे कोई नुकसान वाली बात नहीं होती है इस पर, और नहीं बच्चों इसको कोई समस्या माना जाता है। इसके बाद देखो बच्चों, इस क्षरण को मनुष्य द्वारा रोका नहीं जा सकता है। देखो बच्चों क्या दे रखा है, इस क्षरण को मनुष्य द्वारा रोका नहीं जा सकता है क्योंकि बच्चों ये प्राकृतिक रूप से होता है। क्या होता है बच्चों? ये प्राकृतिक रूप से होता है ओके। चलो बच्चों मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, देखो प्राकृतिक जो इरेजन होता है यानी नेचुरल जो इरेजन होता है बच्चों, इस प्रकार के मृदा क्षरण में जल व हवा द्वारा लगातार व धीरे धीरे होता रहता है। बच्चों देखो जो इस प्रकार का जो क्षरण होता है इसमें क्या होता है बच्चों, जो मृदा में जो कणों का पृथक्करण होता है वो बिल्कुल लगातार चलता रहता है यानी कंटिन्यू चलता रहता है, परंतु जो क्षरण होता है बच्चों बिल्कुल वो धीरे धीरे होता है यानी परिवर्तन में बहुत समय लगता है। और बच्चों इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे न तो कोई समस्या उत्पन्न होती है न कोई यहाँ पे नुकसान वाली बात होती है। अब बच्चों आगे देखते हैं कि इस प्रकार का क्षरण मृदा निर्माण व मृदा विनाश की क्रियाओं के साथ साम्य रखता है। बच्चों ये जो क्षरण होता है मृदा निर्माण व विनाश की क्रियाओं के साथ साम्य स्थापित कर लेता है। साम्य का मतलब होता है बच्चों कि यहाँ पर मृदा निर्माण और मृदा विनाश की क्रियाएं दोनों साथ साथ चलती है, एक संतुलन में होती है। एक तरफ मृदा का विनाश हो रहा है तो वहीं मृदा का निर्माण भी साथ के साथ चलता रहता है, इसलिए बच्चों ये कोई समस्या वाली बात नहीं होती है ना कोई यह नुकसान होता है ओके। इस क्षरण को मनुष्य द्वारा नहीं रोका जा सकता है ओके। चलो इधर आ जाओ, अब बच्चों हम देखते हैं त्वरित क्षरण। क्या देख रहे हैं बच्चों? हम देख रहे हैं त्वरित क्षरण, इसको बच्चों देखो ध्यान से, इसमें मृदा क्षरण, देखो बच्चों इसमें मृदा का क्षरण
मानव व जानवरों द्वारा बचत। देखिए ध्यान से देखिएगा कि इसमें मृदा का क्षरण मानव व जानवरों द्वारा सतही भूमि पर आवश्यकता से अधिक दखल देने के कारण तेजी से होता है। देखो बच्चों ध्यान से क्या बोल रहे हैं ये कि इसमें मृदा का क्षरण मानव व जानवरों द्वारा सतही भूमि पर आवश्यकता से अधिक दखल देने के कारण तेजी से होता है। जैसे बच्चों मानव के द्वारा अधिक कृषि क्रियाएं करना, जानवरों को चराना, अधिक जुताई वगैरह करना, इन सबके बच्चे यानी सीधा सा हम बोल सकते हैं कि जानवरों को चराना और अधिक कृषि क्रियाएं करने से बच्चों क्या होता है, ये जो क्षरण होता है ये तेजी से होता है। यानी यहाँ पर मृदा का यानी मृदा के कणों का स्थानांतरण ज़्यादा होता है, क्षरण ज़्यादा होता है, बच्चों काफ़ी मृदा का विनाश होता है। तो बच्चों यहाँ समस्या वाली बात भी आती है और मृदा का नुकसान भी होता है। ओके बच्चों फिर से देख लीजिए, इसमें मृदा का क्षरण मानव व जानवरों द्वारा सतही भूमि पर आवश्यकता से अधिक दखल देने के कारण तेजी से होता है। बच्चों बड़ा तीव्र होता है ये, यहाँ धीरे धीरे हो रहा था परंतु यहाँ तेजी से होता है। इस प्रकार के क्षरण में मृदा, देखो बच्चों ध्यान से देख लीजिए, देखो इस प्रकार के क्षरण में मृदा विनाश की क्रिया मृदा निर्माण की अपेक्षा कई ज्यादा गुना होती है। क्या होती है बच्चों? इस प्रकार के क्षरण में, देखिए ध्यान से, इस प्रकार के क्षरण में मृदा विनाश की क्रिया मृदा निर्माण की अपेक्षा कई ज्यादा गुना होती है। तो देखो बच्चों यहाँ पर मृदा निर्माण की क्रिया और मृदा विनाश की क्रिया में कोई साम्य स्थापित नहीं होता है, और बच्चों मृदा निर्माण कम परंतु मृदा विनाश ज़्यादा गुना होता है, इसलिए बच्चों यहाँ बड़ी समस्या उत्पन्न होती है और काफ़ी नुकसान होता है। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा कि ये जो क्रिया होती है, ये जो क्षरण होता है, यह अधिक विनाशकारी होता है। क्या होता है बच्चों? अधिक विनाशकारी होता है। चलो बच्चों अब आगे देखिए, अब देखो बच्चों मृदा क्षरण दो प्रकार की शक्तियों के कारण होता है। क्या होता है बच्चों? जो मृदा क्षरण होता है वह दो प्रकार की शक्तियों के कारण होता है। क्या होता है बच्चों? यहाँ पर जो बच्चों मृदा क्षरण होता है दो प्रकार की शक्तियों के कारण होता है। चलो बच्चों देख लेते हैं कौन कौन सी है दो पावर्स, यानी जो दो शक्तियाँ हैं कौन कौन सी हैं। एक तो होता है बच्चों वायु द्वारा। क्या होता है? वायु द्वारा यानी बाय एयर। एक होता है बच्चों जल के द्वारा यानी बाय वाटर। अब बच्चों आज हम देख लेंगे, आज इस वीडियो में हम देखेंगे जल द्वारा मृदा का क्षरण कैसे होता है। तो देखिए बच्चों, देखो जल द्वारा क्षरण क्या देख रहे हैं बच्चों? जल द्वारा मृदा का क्षरण, इसे बोलते हैं बच्चों वाटर इरेजन। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? वाटर इरेजन इसको बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हम देखने वाले हैं जल द्वारा मृदा का क्षरण, वाटर इरेजन इसको बोलते हैं। तो बच्चों डेफिनेशन देख लीजिए कि जल द्वारा मृदा के कटने या बहने को जलीय क्षरण कहते हैं। देख लीजिए बच्चा, जल द्वारा मृदा के कटने या बहने को जलीय क्षरण कहते हैं। यानी बच्चों देखो मृदा के कणों का जल के द्वारा कटना या बहने को जलीय क्षरण कहते हैं। चलो आगे चलिए, अब बच्चों देखिए ध्यान से, ये क्षरण निम्न प्रकार से होता है। यानी बच्चों ध्यान दीजिए, जल द्वारा मृदा का क्षरण निम्न प्रकार से होता है, और बच्चों उसमें हमारे नंबर एक आता है बौछार क्षरण। नंबर एक क्या आएगा बच्चों इसमें? बौछार क्षरण। इसको बोलते हैं बच्चों फ्लैश इरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? फ्लैश इरोजन बोलते हैं। तो बच्चों देखिए, नंबर एक आता है हमारा बौछार क्षरण यानी फ्लैश इरोजन।
चलो बच्चों देखिए, बच्चों देखो ये मृदाशरण की प्रारंभिक अवस्था होती है। क्या होती है बच्चों? अगर जल के द्वारा मृदाशरण स्टार्ट होता है तो सबसे पहली यानी फर्स्ट जो कंडीशन होती है, जो प्रारंभिक अवस्था होती है बच्चों, यही होती है बोचार शरण। यह मृदाशरण की प्रारंभिक अवस्था है। क्या है बच्चों? यह मृदाशरण की प्रारंभिक अवस्था है। देखो बच्चों क्या होता है, ये है मृदा की ऊपरी परत। क्या है बच्चों? सबसे अपर सरफेस। क्या बोलेंगे बच्चे इसको? सबसे ऊपरी सरफेस आपको दिखाई जा रही है बच्चों। देखो क्या होता है, जैसे बारिश की बूंदे, क्या होता है बच्चों? देखो जैसे ही बारिश की बूंदे इस मृदा की ऊपरी यानी उपजाऊ परत के ऊपर गिरती है, तो बच्चों देखिए जहाँ पे ये बूंद पानी की बूंदे मृदा यानी सरफेस को स्पर्श कर रही है, यानी बच्चों देखो जितने वॉल्यूम की यानी जितने आयतन की ये बूंदे होती है, ये वहाँ से मृदा से उतने ही कणों को हटाती है। क्या होता है बच्चों? जितना इस बूंद का वॉल्यूम होता है उतनी ही बच्चों सरफेस से मृदा कणों को हटाती है। जैसे बच्चों क्या होता है, ये बारिश की बूंदे इस सरफेस पे पड़ती है तो यहाँ के कण क्या होते हैं? तितर बितर हो जाते हैं। और क्या होते हैं बच्चों? अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। देखो बच्चों फिर से बताता हूँ मैं, जैसे क्या होता है बच्चों, इस ऊपरी सरफेस यानी सतह पर बारिश की बूंदे जैसे बच्चों इस सतह पर पड़ती है तो जितना इस बूंद का वॉल्यूम यानी आयतन होता है उतनी ही ये मृदा के कणों को यहाँ से हटाते हैं। और जैसे बच्चों ये बूंदे इस सरफेस पे गिरती है तो यहाँ से ये कण अपने स्थान से हटकर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो बच्चों इसको बोलते हैं हम बोचार शरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बोचार शरण बोलते हैं। चलो बच्चों देखिए और क्या बता रहा है ये। देखो बच्चों ये बता रहा है कि इस शरण से मृदा में जल प्रवेश करने की क्षमता कम हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? इस शरण से मृदा में जल प्रवेश करने की क्षमता कम हो जाती है। बच्चों देखो बोचार शरण के उपरांत क्या होता है कि मृदा में जल प्रवेश करने की क्षमता क्या हो जाती है? कम होता है। यानी ये जो बच्चा ये उपजाऊ परत होती है ये जल धारण करने में थोड़ी असमर्थ हो जाती है। तो देखो इसके बाद बच्चों, यह शरण बूंदों के आकार, तो बच्चों देखिए ध्यान से जो मैंने अंडरलाइन कर किया हुआ है कि यह शरण बूंदों के आकार व गहनता से प्रभावित होता है। क्या होता है बच्चों? यह जो शरण होता है वह बूंदों के आकार व गहनता से प्रभावित होता है। बच्चों बूंदों के आकार से मतलब है कि जितना बड़ा आकार होगा, जितना बड़ा आकार होगा यानी जितने वॉल्यूम उस बूंद का होगा उतना ही बच्चों वो शरण करेगा, उतना ही ज़्यादा वो मृदा का शरण करेगा। ओके। और बच्चों गहनता से मतलब है कि जो बारिश की बूंदें कितनी तेज है। ओके। तो ये उतना ही प्रभावित होती है इससे शरण। ओके। तो बच्चों ध्यान से देख लीजिए इसको एक बार कि ये बूंदों के आकार यानी बच्चों जितना बूंदों का शेप होता है, ज़्यादा बड़ा होता है उतना ही शरण होता है। और बच्चों जितनी तेज़ बारिश होगी, बूंदें जितनी स्पीड से गति से आएगी तो शरण भी उतना ही, तो मृदा का शरण भी उतना ही होता है। ओके। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अब अगला शरण जो हमारे आया है बच्चों जल के द्वारा वो है परत शरण। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? परत शरण। देखो बच्चों इसको बोलते हैं शीट इरेजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शीट इरेजन बोलते हैं इसको। तो देखो बच्चों जो परत शरण होता है ये समतल भूमि में होता है। क्या होता है बच्चों? समतल भूमि में होता है। इस प्रकार के शरण में बच्चों देखिए ध्यान से इसकी डेफिनेशन कि इस प्रकार के शरण में वर्षा जल मृदा की ऊपरी सतह को ही बाहर ले जाता है। देखो बच्चों होता क्या है भाई, यहाँ इसके जस्ट ऊपर अभी हमने देखा बच्चों, इसके जस्ट ऊपर हमने क्या देखा कि भाई वहाँ तो मृदा के कण बस इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे थे, पर यहाँ तो बच्चों ये क्या कह रहा है कि इस प्रकार के शरण में वर्षा जल मृदा की ऊपरी सतह को ही बहा कर ले जाता है। बच्चों यहाँ तो पूरी की पूरी शरण ही क्या होती है? ट्रांसफर हो रही है। तो बच्चों देखिए जैसे आपको ये सरफेस दी हुई है देखो तो बच्चों एक तो बिल्कुल खाली सी दिखाई दे रही है आपको, ये नीचे वाली इसको बोलते हैं अधोमृदा। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? अधोमृदा बोलते हैं। और बच्चों आपकी जो उपजाऊ सबसे ऊपरी परत होती है वो मैंने ब्लैक यानी डार्क कर रखी है बच्चों। तो बच्चों जैसे बारिश की बूंदें यानी इसके ऊपर गिरती है तो वो सारे कण
तितर भी जो मर्दा के ऊपरी कण होते हैं वो तितर बितर हो जाते हैं, और बाद में बच्चों क्या होते हैं, वो सारे कण पानी के साथ घुलकर या उसके साथ बहकर आगे की ओर बहकर निकल जाते हैं। क्या होते हैं बच्चों, जैसे बारिश की बूंदें इस ऊपरी सरफेस पे पड़ती हैं तो वर्षा के कण इधर तितर बितर होकर, यानी मर्दा के कण तितर बितर होकर पानी के साथ आगे की ओर निकल चलते हैं, यानी बह जाते हैं। तो बच्चों वो घुलने के बाद क्या होता है बच्चों की जो ऊपरी जो कणों की जो पूरी परत होती है वो पूरी यहाँ से बहकर निकल जाती है। बच्चों यहाँ पे डार्क मैंने पूरा अलग से निकाल के रखा है, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों पूरी परत ही क्या हो जाती है यहाँ से ट्रांसफर हो जाती है। इसको बोलते हैं बच्चों परत शरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं परत शरण यानी शीट इरेजन बोलते हैं बच्चों। ओके अब चलो बच्चों आगे देखिए, इसमें दे रखा है बच्चों कि ये आंखों से तो दिखाई नहीं देता है, क्या बच्चों ये आंखों से तो दिखाई नहीं देता है लेकिन होता बड़ा हानिकारक है। क्या है बच्चों, ये आंखों से नहीं दिखाई देता है परंतु बड़ा हानिकारक होता है बच्चों, बड़ा प्रभावशील होता है, यहाँ पर मर्दा का काफी शरण होता है। अब बच्चों आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा इरेजन आया है तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, अब आया है आपके नंबर तीन रील शरण, क्या बोलते हैं बच्चे इसको नंबर तीन को, नंबर तीन आया है रील शरण, इसको बोलते हैं रील इरेजन, क्या बोलेंगे बच्चे इसको रील इरेजन। देखो बच्चे अब बच्चों ध्यान रखना, इसके जस्ट ऊपर हमने पढ़ा है, इसके जस्ट ऊपर हमने देखा है कि जो परत शरण है, क्या है बच्चों जो परत शरण है इससे खेत में, देखो बच्चों जो प्रसरण है वो तो समतल भूमि में होता है परंतु बच्चों हम जानते हैं कि, देखो बच्चों प्रसरण में हमने देखा है प्रतिसरण समतल भूमि में होता है परंतु बच्चों हम जानते हैं कि जो हमारा खेत होता है जो फील्ड होता है वो पूरी तरह से समतल तो नहीं होता है, बीच बीच में बच्चों कहीं वो क्या होता है थोड़ा उबड़ खाबड़ भी होता है, उसमें कहीं ढालू ढालू भाग भी होते हैं। तो बच्चों क्या होता है रील जो शरण है, क्या है बच्चों इससे खेत में छोटी छोटी दरारें पड़ जाती है। देखो बच्चों क्या होता है इससे खेत में छोटी छोटी दरारें पड़ जाती है जो बाद में नालियों का रूप ले लेती है। देखो बच्चों ध्यान से क्या दे रखा है, रील शरण में हमको बताया गया है देखो बच्चों कि इससे खेत में छोटी छोटी दरारें पड़ जाती है जो बाद में नालियों का रूप ले लेती है। देखो बच्चों यहाँ जैसे बारिश होती है उसके बाद क्या होता है फील्ड में छोटी छोटी क्या पड़ जाती है, छोटी छोटी दरारें पड़ जाती है। या बच्चों जैसे मान लो हम खेत में क्या करते हैं जुताई करने के बाद, जैसे बच्चों क्या करते हैं और जुताई के बाद क्या करते हैं बच्चों सिंचाई वगैरह करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है बच्चों जो खेत में छोटी छोटी दरारें पड़ जाती है उसको रील शरण बोलते हैं बच्चों। और बच्चों बाद में क्या होता है, देखो ये दरारें नालियों का रूप ले लेती है यानी बच्चों ये चौड़ाई में थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो बच्चों देखिए रेलशरण में क्या होता है बच्चों खेत में छोटी छोटी दरारें पड़ जाती है। देखो बच्चों जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, देखो ये इस प्रकार दरारें आपको आपने देखी होगी, तो बच्चों ये तो समतल भाग में होता है। ओके समतल भाग में तो ऐसे दरारें दिखाई देती है परंतु जो ढालू भाग होता है बच्चों, देखो ढालू भाग में जैसे क्या होता है बच्चों कि पानी की गति, पानी जैसे ढाल की ओर बहने लगता है, क्या होता है बच्चों पानी जैसे ही ढाल की ओर बहने लगता है तो इस प्रकार बच्चों वहाँ पर नालियाँ बन जाती है। ओके अब देखिए बच्चों के जो रील शरण है वो कहाँ कहाँ देखा जा सकता है, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, नरम व तुरंत जोते गए खेतों में यह शरण ज़्यादा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है बच्चों, नरम व तुरंत जोते गए खेतों में यह शरण ज़्यादा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है बच्चों, नरम व तुरंत जोते गए खेतों में शरण ज़्यादा दिखाई देता है। अतः बच्चों एक और बात यहाँ पे दिखाई गई है, देखो कि ढलान व खाली पड़ती, देखो बच्चों ढलान व खाली पड़ती यानी खाली को बोलते पड़ती जमीन, ढलान व खाली भूमि में भी बच्चों ये अधिक दिखाई देता है यानी बच्चों ढाल वाले भाग के भी यहाँ ये रील शरण अधिक दिखाई देता है। ओके बच्चों चलो बच्चों हमारा नेक्स्ट आया है लास्ट, देखो जल के द्वारा मर्दा का शरण, ये लास्ट जो टाइप आया है बच्चों इसको देखिए, इसको बोलते हैं बच्चों
इसको बोलते हैं अवनालिका शरण। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? अवनालिका शरण, यानी बच्चे इसको बोलते हैं गली इरोजन। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? गली इरेजन, अवनालिका शरण। बच्चों अवनालिका का मतलब, अवनालिका का मतलब होता है बच्चों जो चौड़ी चौड़ी जो बारीक दरारें थी वो बिल्कुल, अब क्या हो जाएगी बच्चों, वो चौड़ाई में अधिक चौड़ी और गहरी हो जाएगी। तो बच्चों अवनालिका का मतलब होता है बड़ी यानी चौड़ी नालियां। देखो ये रील शरण की बढ़ती अवस्था है बच्चों। क्या है देखो बच्चों, जो अवनालिका शरण है, क्या है बच्चों, जो अवनालिका शरण है ये रील शरण का ही एक रूप है। यानी बच्चों इसको रील शरण की बढ़ती अवस्था बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? इसको रील शरण की बढ़ती अवस्था बोला जाता है। तो बच्चों ध्यान से देख लीजिए कि क्या होता है, इसको रील शरण की बढ़ती अवस्था बोला जाता है जिसमें नालियां और अधिक चौड़ी और गहरी हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? रील शरण में तो क्या होता है, बारीक बारीक दरारें होती है, परंतु बाद में बच्चों धीरे धीरे क्या होती है, चौड़ी हो जाती है। परंतु अवनालिका शरण में क्या होता है बच्चों, जैसे ढाल बढ़ती जाती है, क्या होती है बच्चों, देखो बच्चों वहाँ ढाल कम होती है। देखो बच्चों जैसे ही ढाल बढ़ता जाता है वैसे ये नालियाँ अधिक चौड़ी और गहरी होती जाती है। इसको बोलते हैं बच्चों अवनालिका शरण। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, रील शरण में देखो बच्चे, रील शरण में ये जो दरारें होती है, देखो बच्चों ध्यान से देखिएगा कि रील शरण में जो ये दरारें होती है ये जुताई के बाद समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? ये जो बारीक दरारें होती है ये जुताई के बाद समाप्त हो जाती है। परंतु बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो अवनालिका शरण होता है इसमें जो चौड़ी और गहरी दरारें बनती है ये जुताई के बाद भी क्या होती है बच्चों? समाप्त नहीं होती है। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा कि इस प्रकार के शरण में अधो मृदा का भी शरण हो जाता है। क्या होता है बच्चों? इस प्रकार के शरण में अधो मृदा का शरण भी हो जाता है। बच्चों हमारी जो मृदा होती है उसकी जो ऊपरी परत होती है उसके जस्ट नीचे वाली जो मृदा होती है उसे हम अधो मृदा बोलते हैं। ओके बच्चों, तो फटाफट से मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ। बच्चों देखिए हमने पढ़ा है, देखो आज की, बच्चों ध्यान से देखिए मैं बोल रहा हूँ, आपका नज़र मतलब आपके नज़र बिल्कुल वही टॉपिक क्या होनी चाहिए कि मैं कौन सा टॉपिक पढ़ रहा हूँ। देखो बच्चों ध्यान से देखिए कि हमने सबसे पहले देखा मृदा क्षरण एवं मृदा संरक्षण, बोलते हैं सॉइल इरेजन एंड सॉइल कंजर्वेशन बोलते हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा कि मृदा क्षरण, मृदा क्षरण क्या होता है बच्चों? भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटने की क्रिया को क्या बोलते हैं? मृदा क्षरण बोलते हैं। बच्चों एक और आपको डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे कि मृदा का पृथक्करण तथा परिवहन मृदा क्षरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? मृदा का पृथक्करण व परिवहन क्या कहलाता है? मृदा क्षरण कहलाता है। पृथक्करण का मतलब होता है मृदा का, यानी मृदा का अपने कणों से अलग होना, या मृदा के जो कण होते हैं वो मृदा से अलग हो जाते हैं, या और बच्चों परिवहन का मतलब क्या होता है? उन कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये भी मृदा क्षरण कहलाता है बच्चों। उसके बाद देखिए कि जो मृदा क्षरण होता है बच्चों टू टाइप से होता है, प्राकृतिक क्षरण और त्वरित क्षरण, नेचुरल इरेजन और एक्सीलरेटेड इरेजन। अब बच्चों देखो मैं रिवाइज करवा रहा हूँ तो आप भी रिवाइज कर लीजिए, इससे आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। देखो अब बच्चों देखो प्राकृतिक क्षरण क्या होता है बच्चों? कि इसमें जल व हवा के द्वारा लगातार, बच्चों जो एक ऐसा क्षरण है जो बिल्कुल लगातार चलता रहता है परंतु इतनी धीरे धीरे होता है कि बच्चों यहाँ कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है और न कोई नुकसान वाली बात होती है। बच्चों देखो इस प्रकार के क्षरण में क्या होता है? मृदा निर्माण व मृदा विनाश की क्रियाओं के साथ साम्य में रहता है। क्या रहता है बच्चों? ये जो क्षरण होता है वो मृदा निर्माण व विनाश की क्रियाओं के साथ साम्य स्थापित कर लेता है, जिससे क्या होता है बच्चों? मृदा विनाश के साथ साथ मृदा निर्माण का कार्य भी चलता रहता है। इसलिए बच्चों यहाँ कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है, इस क्षरण को मनुष्य द्वारा नहीं रोका जा सकता है क्योंकि बच्चों ये प्राकृतिक क्षरण है। ओके, त्वरित क्षरण में क्या होता है बच्चों? देखो बच्चों त्वरित क्षरण का मतलब है कि तेजी से मृदा का क्षरण होना। क्या होता है? तेजी से या तीव्र गति से मृदा का क्षरण होना। अब आगे देखिए, इसमें मृदा का क्षरण मानव और जानवरों द्वारा सतही भूमि पर आवश्यकता से अधिक दखल देने के कारण तेजी से होता है। यानी बच्चों मृदा में अधिक कृषि क्रियाएं करना, जानवरों को चराना आदि से बच्चों ये तेजी से होता है। इस प्रकार के क्षरण में मृदा विनाश की क्रिया
मृदा निर्माण की अपेक्षा कहीं ज़्यादा गुना होती है, यानी बच्चों मृदा निर्माण यहाँ पर कम होता है परंतु मृदा का विनाश ज़्यादा होता है, इसलिए बच्चों इसको अधिक विनाशकारी माना जाता है। अब बच्चों देखिए कि मृदा क्षरण दो प्रकार की शक्तियों के द्वारा होता है, एक तो होता है बच्चों वायु द्वारा और एक होता है जल द्वारा। देखो बच्चों मैं रिवाइज करवा रहा हूँ तुम्हें, तो मेरे साथ साथ रिवाइज करते हुए चलिए। देखो बच्चों ध्यान से देखिए कि जल द्वारा क्षरण, देखो बच्चों जल द्वारा क्षरण क्या होता है बच्चों, कि जल के द्वारा मृदा के, देखो जल के द्वारा मृदा का कटना या बहना, जल के द्वारा मृदा का कटना या बहना जलीय क्षरण कहलाता है। बच्चों देखो ये निम्न प्रकार का होता है, क्या होता है, निम्न प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहले आएगा आपके बोचार क्षरण यानी क्लेश विरजन। देखो बच्चों ये मृदा क्षरण की प्रारंभिक अवस्था मानी जाती है, जैसे बच्चों क्या होता है बारिश के कारण जो मृदा की ऊपरी सतह पर गिरते हैं या उससे टकराते हैं, तो बच्चों जितना वॉल्यूम वहाँ पर बूंदों का होता है वो उतने कणों को इधर से उधर तितर बितर करते हैं, और बच्चों वो कण क्या होते हैं अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसे बोछार क्षरण बोलते हैं। देखो बच्चों इस क्षरण में मृदा में जल प्रवेश करने की क्षमता कम हो जाती है। देखो बच्चों जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चलो बताओ बोछार क्षरण के उपरांत मृदा में क्या प्रभाव होता है, या बोछार क्षरण का मृदा के ऊपर क्या प्रभाव होता है, तो बच्चों हम सीधा सा ऐसे आंसर दे सकते हैं एक लाइन में कि इस प्रकार के क्षरण के बाद जल में, देखो बच्चों इस क्षरण के पश्चात मृदा में जल प्रवेश करने की क्षमता कम हो जाती है। अब बच्चों देखिए कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है बच्चों कि चलो बताइए कि बोछार जो क्षरण होता है वो किससे प्रभावित होता है, तो आप बताओगे बच्चों यानी मृदा जो क्षरण होता है, बोछार क्षरण में जो मृदा क्षरण होता है वो किसके ऊपर